जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि ह्यूमन की लर्निंग एबिलिटी के बारे में बताता है। यह कॉन्सेप्ट रशियन साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की की लर्निंग थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द स्पेस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद एडल्ट असिस्टेंस और गाइडेंस। एक स्टूडेंट और लर्नर अपने आप से लिमिटेड टास्क ही कर पाता है, पर जब कोई मोर नॉलेजेबल अदर लर्नर को गाइड करता है तो वह एडिशनल टास्क को भी कर पाता है। इसी जोन को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जहां पर लर्नर मोर नॉलेजेबल अदर के साथ सोशली इंटरेक्ट करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार एक लर्नर के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में प्रोग्रेस करने के लिए तीन कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, मोर नॉलेजेबल पर्सन की प्रेजेंस का होना, जो कि कोई भी हो सकता है, पेरेंट, टीचर्स, आपके पीयर्स या कलीग या फिर कोई जूनियर। सेकेंड, लर्नर और स्किलफुल पर्सन के बीच में सोशल इंटरेक्शन का होना। नंबर थ्री, स्कैफोल्डिंग और सपोर्टिंग एक्टिविटीज को डिजाइन करना जो कि लर्नर के लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर सके। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक छोटा बच्चा अपने आप में स्विमिंग नहीं कर पाता है और अकेले वह सेफ्टी टायर के साथ ही पूल में जाता है, पर जब एक स्विमिंग कोच जो कि मोर स्किलफुल एंड नॉलेजेबल है के गाइडेंस में वह पूल में जाता है तो यह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जहां पर वह सोशली इंटरेक्ट करता है और स्विमिंग की बारीकियों को सीखता है। फाइनली वह स्विमिंग सीख पाता है और अकेले ही पूल में जाकर स्विमिंग करता है। फ्रेंड्स, होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।